हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को लेकर के। यहां पर देख सकते हैं ये हिंदी में मैंने डेटाबेस बनाया है। अब ये हिंदी में कैसे डेटाबेस बना है आज के इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि हमारे एक व्यूअर हैं जिनका सवाल भी यही है कि सर हिंदी में डेटाबेस कैसे बनाए। तो यहां पर ये पूरा हिंदी में ही बनाया है, और अगर आप यहां पर कुछ टाइप करने की कोशिश करते हैं, जैसे मान लीजिए स्टूडेंट का नाम है राम, तो यहाँ राम लिखा हमने और राम लिख करके और यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ राम का नाम आ गया। और यहाँ पे अब मार्क्स आएंगे, तो मार्क्स के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जो है मार्क्स भी एंटर करते चलता हूँ। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। आउट ऑफ 100 यहाँ पे मार्क्स मैं एंटर कर रहा हूँ, ये देखिए कुछ इस तरीके से। और जैसे जैसे मार्क्स एंटर करता जा रहा हूँ वैसे वैसे औसत इनका और कुल टोटल भी निकलता चला आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे एक और स्टूडेंट का नाम युवराज दे दिया, और युवराज देने के बाद यहाँ पे क्लिक किया और फिर यहाँ पर अब मार्क्स भी हम देते चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये मार्क्स भी मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, ये देखिए कुछ इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पर मार्क्स एंटर हो रहे हैं और उसके साथ टोटल यानी कि कुल योग भी कैलकुलेट होता चला आ रहा है। यहाँ पर देखिए एक थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, तो ये देखिए ये कुछ इस तरीके से टोटल भी होता चला आ रहा है। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, ये कैसे मैंने किया, तो देखिए एक आप गूगल पे चले जाइए और गूगल पे जाके आपको सर्च करना है गूगल इनपुट टूल्स ऑफलाइन लोड कर लेना है, ठीक है। ऑफलाइन डाउनलोड की जगह गूगल पे सर्च की जगह ये आपको मिल जाएगा। पहला ही ऑप्शन गूगल इनपुट टूल्स सर्च की जगह गूगल क्रोम पर, तो पहला ही ऑप्शन जो है गूगल इनपुट टूल्स मिल जाएगा और उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और डाउनलोड करिएगा ना तो नीचे यहां पर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये हमारा एक अलग फॉन्ट है, इंग्लिश इंडिया है, ये यूनाइटेड स्टेट वाला है और ये भी यूनाइटेड स्टेट का ही है। तो यहां पर मैंने इंग्लिश इंडिया सेलेक्ट कर रखा है, ठीक है। तो इंग्लिश इंडिया टाइप का यूनाइटेड स्टेट फॉन्ट है और ये इंग्लिश इंडिया वाला है, तो हमने इंग्लिश इंडिया ही सेलेक्ट किया है। अगर आप हिंदी गूगल इनपुट टूल्स हिंदी वाला डाउनलोड कर लेंगे तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे, और जब क्लिक करेंगे ना तो जो भी लिखेंगे वो हिंदी में ही आएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक स्टूडेंट का नाम लिख रहा हूँ रितेश, तो देखिए यहाँ पर रितेश आ गया और यहाँ पर इनके मार्क्स भी आते चले जाएंगे। यहाँ पर आप मार्क्स एंटर करवा दीजिए और जैसे ही मार्क्स आप एंटर करवाएंगे तो यहाँ पर टोटल और सारी चीजें ऑटोमेटिक होती चली जाएंगी, ठीक है। कैलकुलेशन आपको यहीं से कर लेना है, ये देखिए यहाँ पर कैलकुलेट भी करके मैंने दिखाया है। यहाँ पर देखिए कुल योग जहां पर है, यहाँ पर आता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से मैंने कैलकुलेट करा है। तो यहाँ पर उन तमाम सब्जेक्ट्स के नाम भी मैंने लिखे हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, देखिए ये इस तरीके से, यहाँ पर इस तरीके से मैंने लिखा है, यहाँ पर इस तरीके से लिखा है। तो आपको गूगल इनपुट टूल्स गूगल क्रोम से डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। गूगल क्रोम पे जाके सर्च कीजिएगा गूगल इनपुट टूल्स और वहां से आप गूगल इनपुट टूल्स को डाउनलोड कर लेंगे। और जब डाउनलोड कर लेंगे तो फिर आपको यही प्रोसीजर परफॉर्म करना है, जिसे टोटल करने के लिए सभी सब्जेक्ट्स को जोड़ना है। तो ऐड करते जाइए, ठीक है, और ऐड करके ओके कर दीजिए। और इसी तरीके से औसत भी आप निकालेंगे, तो औसत मैंने कैसे निकाला है तो देखिए वो भी दिखा देता हूं। देखिए यहां पर कुल योग जो है, अब चूंकि इस फील्ड को हमने नाम क्या दिया था, कुल योग, यही नाम दिया था ना, तो कुल योग में ही हमारा औसत भी छिपा होगा। और कितने सब्जेक्ट है काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 छह सब्जेक्ट है, तो छह से इसे डिवाइड कर दिया है। देखिए यहाँ पे छह से डिवाइड किया है और यहाँ से ओके कर दिया है, ठीक है। इसी तरह का एक डेटाबेस मैं आपको डिजाइन भी करके दिखाता हूँ कैसे हम डिजाइन करेंगे। तो सबसे पहले क्रिएट पे जाएंगे और यहाँ से टेबल ले लेते हैं, इसी डेटाबेस के अंदर एक और टेबल ले लेते हैं और यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो ये टेबल 2 आ रहा है। आप यहाँ पर मार्कशीट के नाम से डेटाबेस बना लीजिए। तो ये देखिए मार्कशीट मैं लिख रहा हूँ तो ये हिंदी में आ रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैंने हिंदी वाला सेलेक्ट किया है। गूगल इनपुट टूल्स डाउनलोड करेंगे तो नीचे यहाँ पर आपको अलग से एक हिंदी का भी ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट कर लीजिएगा आप। और यहाँ पे आप मार्कशीट मैंने इसके नाम दे दिया और एंटर कर दिया, तो ये सेव हो गया मार्कशीट के नाम से। अब यहाँ पर आपको देना है रोल नंबर, तो जैसे आप इंग्लिश में लिखते हैं रोल नंबर वैसे ही आप यहाँ पर भी लिख दीजिएगा और ये आ जाएगा इस तरीके से। इसका डेटा टाइप मैंने ऑटो नंबर रखा है, आप चाहे तो शॉर्ट टेक्स्ट टेक्स्ट या कुछ और भी दे सकते हैं, नंबर भी दे सकते हैं। यहाँ पर छात्र का नाम आएगा, तो यहाँ पर आप हिंदी में ही लिखिएगा छात्र का नाम, लेकिन कैसे हिंदी में, जैसे इंग्लिश वाले स्टाइल में ही लिखिएगा। सी एच, देखिए मैंने कैसे लिखा हुआ है, सी डबल एच ए टी आर ए लिखा है, नीचे छात्र आ जाएगा, यहाँ पर लिखिएगा छात्र और फिर यहाँ लिखिएगा का, फिर यहाँ पे नाम, तो ये आ गया छात्र का नाम। और इसका डेटा टाइप यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अब मैं तीन ही सब्जेक्ट को ऐड करूंगा, जैसे कंप्यूटर हो गया, ठीक है, तो ये कंप्यूटर आ गया है यहाँ पे देखिए। और इसका डेटा टाइप यहाँ पर आप चूज कर लीजिएगा नंबर, ठीक है। और फिर यहाँ पे मैथ, तो एम ए टी एच मैथ्स, ये आ गया मैथ्स। और यहाँ पर आइएगा, इसका भी डेटा टाइप आपको रखना है नंबर। और फिर यहाँ पर आइएगा तो यहाँ पे साइंस कर लेते हैं और साइंस का भी डेटा टाइप आपको रखना है क्या, नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे कर लीजिएगा नंबर इस तरीके से।
और ये नंबर करके यहां पर अब कुल योग यही लिखा था ना मैंने, तो यहां पे लिखिएगा कुल और यहां लिखिएगा योग और यहां पर क्या होगा क्लिक करिएगा और यहां से कैलकुलेटेड डेटा टाइप का इस्तेमाल कर लीजिएगा। तीन ही सब्जेक्ट के फील्ड नेम हमें लेने हैं, तो पहला ले लेते हैं कंप्यूटर, तो ये हो गया कंप्यूटर, ये हो गया कंप्यूटर, ठीक है, और इसे बंद कर दीजिएगा स्क्वायर ब्रैकेट को, प्लस का निशान लगाइएगा। यहां पे दूसरा सब्जेक्ट आएगा मैथ्स, ठीक है, इसको बंद करिएगा, फिर प्लस का निशान आप लगा लीजिएगा, ठीक है। फिर यहां पे साइंस करिएगा एस सी आई ई एन सी ई साइंस, तो ये हो गया साइंस, और फिर यहां से ओके कर दीजिएगा। ये काम हो गया है, अब यहां पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि यहां पर ये इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। आप थोड़ा सा इसको ड्रैग करके घटा बढ़ा सकते हैं साइज। यहां छात्र का नाम मान लीजिए लिखना है आपको अनूप, तो ये छात्र का नाम हो गया, और अनूप लिखने के बाद यहां पर अब आपको मार्क्स डालने हैं। तो मान लीजिए आउट ऑफ 145 मिले कंप्यूटर में, 77 मिले मैथ्स में और 66 मिले साइंस में, तो इनका टोटल आ गया ना अपने आप। अब ये सारा कुछ अपने आप करता चलेगा, ठीक है, और डेटाबेस आपका बनेगा हिंदी में, ठीक है। अब यहां पे एक और नाम, यहां पे वशिष्ठ, वशिष्ठ यहां पे लिख देते हैं, ये नाम एक आ गया, और यहां पर आएंगे तो अब यहां पर मार्क्स आएंगे, तो ये मार्क्स हो गए इनके, तो ये देखिए ये इस तरीके से आ रहे हैं मार्क्स, ठीक है। तो इस तरीके से आपको हिंदी में डेटाबेस डिजाइन करना। अच्छा, टोटल के बाद जो एवरेज कैलकुलेट किया था उसका क्या, तो यहां पर जब आइएगा ना, तो यहां पर एक आप बना लीजिएगा औसत का, औसत को औसत कहते हैं हिंदी में और इसकी इंग्लिश होती है एवरेज, ठीक है। तो यहां पे औसत हो जाएगा, और यहां पर आकर के आपको क्या करना है, यही कैलकुलेटेड डेटा टाइप ले लेना है, और यहां पर लेकर के ब्रैकेट को ओपन कर लेना है, यानी स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन करना है, क्योंकि कुल योग के अंदर ही हमारा छिपा होगा क्या, कुल योग के अंदर ही हमारा छिपा होगा औसत। तो यहां पर आप कुल योग लिख करके इसको डिवाइड कर दीजिएगा, कितने से, कितने सब्जेक्ट हैं, एक दो तीन, तो तीन से डिवाइड कर दीजिएगा और ओके कर दीजिएगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि तीन से डिवाइड करके जब आप ओके करेंगे तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है, कुल योग ये लिखा हमने यहां पर भी, और ये लिखेंगे तो ये आता चला जाएगा, और इसको डिवाइड कर दीजिए, और डिवाइड करते समय ध्यान रखिएगा इसका फॉर्मेट बदल लीजिएगा, थोड़ा सा इंग्लिश इंडिया कर लीजिएगा आप, तो ये हो गया, और यहां से ओके कर दीजिए और यहां से रन करवा दीजिए, रन करवा दिया, तो रन करवाएंगे, देखिए एवरेज भी आपका कैलकुलेट होता हुआ नजर आ रहा है, देख रहे हैं कितना बेहतरीन है ये। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई। अब जितना आपने कर दिया उतने में अब कोई दिक्कत नहीं, अब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ डेटा एंटर करना है, और डेटा एंटर करते ही आपका काम अपने आप होता चलेगा। कैसे, देखिए यहां पर राम लिखते हैं, आर एम राम, इस तरीके से देखिएगा, यहां पर पहले गूगल इनपुट टूल्स ऑन कर लीजिएगा अगर नहीं ऑन है तो, और यहां पर लिखिए राम, आर एम राम लिखा, और यहां पर आ गए। अब फिर यहां पर अब मार्क्स डालेंगे इसमें, तो 45, 66, 77, 56 जो भी मार्क्स हैं वो यहाँ पे डालेंगे, और अपने आप बाकी रिजल्ट आता चला जाएगा। देखिए यहाँ पर भी करके दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे अजीत एक और नाम लिखता हूँ, और ये हो गया, और फिर यहाँ पर आइए 55, 54, 77, 88, तो जो भी यहाँ पे मार्क्स हैं वो डालेंगे, और यहाँ परसेंट यानी औसत अपने आप आ जाएगी, ठीक है। देख रहे हैं कितना आसान है ये, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आई होगी कि ये कैसे करना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।